Hey guys, what's up? This is Manan Sanwal back again with a new vlogs. आज के vlog में मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ अपना 21 years old scooter. So, क्योंकि मेरे उसके साथ यार बहुत memories जुड़ी हुई है तो मैं तुम्हें शो करने वाला हूँ. बट पहले उससे मुझे बहुत भूख लगी है और मैं ओट्स खाने जा रहा हूँ. मैं तुम्हें भी एक हेल्दी ओट्स की रेसिपी दिखाता हूँ, तो चलो चलते और उसके बाद स्कूटर में मचाते हैं. एक ओट मील तैयार करने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, सबसे पहले डेफिनेटली ओट्स, वाटर, मिल्क, पीनट बटर, फ्रूट्स. मेरे पास ग्रेप्स और आधा चॉप्ड किया हुआ एप्पल है और ड्राई फ्रूट. वे प्रोटीन भी आप डाल सकते हो अगर आप डालना चाहो, बट कोई नेसेसरी नहीं है. बट फ्रूट चाहिए और आप मानो अगर आप ये सब चीज़ें डालोगे तो इसका टेस्ट जो है बॉम्ब हो जाता है. सो चलो बनाते हैं. जब तुम ओट्स डाल लोगे किसी बर्तन में तो उसके बाद डालना है थोड़ा वाटर सो दैट ये मिक्स हो जाए अच्छे से, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लो. मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा. उसके बाद तुम लोग को डालना है इसमें पीनट बटर, क्योंकि पीनट बटर से स्वाद आ जाता है. पीनट बटर को भी दोबारा से मिक्स कर लो. फिर मैं डालता हूँ इसमें 1 scoop वे प्रोटीन. मेरे पास चॉकलेट फ्लेवर में है तो इसका फ्लेवर थोड़ा चॉकलेटी टाइप में आ जाता है, और इसको भी मैं मिक्स कर लेता हूँ इसमें. ओके, प्रोटीन मिक्स होने के बाद मैं डालता हूँ बाकी के बचे हुए सारे इन्ग्रीडियंट्स, यानी कि हमारे ग्रेप्स और ड्राई फ्रूट्स और एप्पल. बट इसके कलर में मत जाओ गाइस, क्योंकि इसका कलर हो सकता है दिखने में उतना अच्छा ना हो बट खाने में बहुत तगड़ा होता है. तो चलो डालते हैं. लास्ट में तुम इसमें मिल्क डालो. तुमने देखा होगा मैंने मिल्क डाल दिया तो इसका कलर पूरा चेंज हो गया, और उसके बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा, और ये खाने में बहुत टेस्टी बन जाता है. सो या इसको ट्राई करो. ओके, जो मैं तुम्हें स्कूटर दिखाने वाला था बजाज चेतक, वो है ये. आई मीन ब्रो, ये मेरी मेमोरी है यार. इस स्कूटर के साथ मेरा बहुत टाइम स्पेंड किया है. इट्स बीन 21 ईयर्स ये स्कूटर हमारे साथ है और तब से ये चल रहा है. और ये ब्रो, ये आज भी बहुत पावरफुल है. मतलब मैं पहले यहाँ पे खड़ा होता था बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, उसके बाद मैंने यहाँ पे बैठना स्टार्ट किया, फिर जब मैं और बड़ा हो गया मैं पीछे बैठता था, फिर मैं यहाँ आया. सो ये बहुत दमदार स्कूटर है और ये मेरे बहुत दिल के करीब है, तो मैं इसको कभी बेचने नहीं वाला. उसी चीज़ की यार ये पता नहीं अभी स्कूटर बनते क्यों नहीं है. मतलब बनने चाहिए थे ना आज के टाइम में भी. अगर स्कूटर आते तो कितने बॉम्ब लगते हैं. मतलब कोई राइड करेगा स्कूटर तो बहुत तगड़े ही लगते हैं. ओके, तुम बाइक चला लो या तुम स्कूटी चला लो या कुछ भी चला लो, लेकिन जब स्कूटर तुम चलाते हो ना उसका वाइब बिल्कुल अलग होता है. उसकी फीलिंग एकदम यू नो टॉप में होती है. तो उसका जो वाइब होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और गाड़ियों से. तो स्कूटर चलाने का एक अलग ही लेवल मजा है. ओके, मैं कोल्ड कॉफी पीने की सोच रहा था क्योंकि मौसम गर्म होने लग गया, बट घर में देखा तो कोल्ड कॉफी थी नहीं. तो चलो कॉफी लाते हैं और कॉफी पीते हैं बेबी, लेट्स गो. घूमे मेरा जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बट 12 बजे मार्केट बंद हो जा रहा है तो मेरे को जाना ही पड़ रहा है गाइस. ओके, कॉफी तो मिल गई, चलो बनाते हैं अब.
ओके फाइनली द कोल्ड कॉफ़ी इज़ रेडी। गर्मियों में जो कोल्ड कॉफ़ी पीने का मज़ा आता है ना, उसका लेवल अलग ही हो जाता है। तो एक बहुत बॉम कोल्ड कॉफ़ी तैयार है। सो तुम भी इंजॉय करो गाइस, मैं भी इंजॉय करता हूँ, मैं भी पीता हूँ, तुम भी पियो यार। गर्मियों में इसको पी के मज़ा अलग ही लेवल हो जाता है। सो या लेट मी इंजॉय द कॉफ़ी। आजकल मेरे एरिया में बंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब रोज़ ही आ जाते हैं, लोगों के घरों में जा रहे हैं तो रोज़ ही आ रहे हैं। राम प्यारे और राम प्यारे राम प्यारे गाइस, इसका नाम है राम प्यारे। राम प्यारे तेरी राम प्यारी कहाँ है? अरे रोडीज का ऑडिशन नहीं चल रहा है यहाँ, घर जाओ जंगल में करो रोडीज, जाओ घर जाओ। ओके आई होप तुम लोग को मेरी वीडियो देखने में मजा आई होगी, और अगर आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो अगेन एंड अगेन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पीस आउट।